मेरी बात याद रखना मैर, असली बच्चे का बाप ना सिर्फ और सिर्फ बच्चे की माँ को पता होता है। सरबजीत को हमेशा यही लगना चाहिए, तेरे पेट में जो पल रहा है ना बच्चा, वो सीखा। मेहर दीदी कितनी खुश लग रही है ना। एक मिनट, ऐ देखो यार मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। अब बंदर लग रहा है तू। ओए बंदर क्यों था, खिंच के चपेड़ मारनी तेरे। हाथ भी लगा तू, देखता हूँ अगर मैंने तेरे को दादी से चित्तर ना पड़वाए को। मेहर का चेहरा कितना चमक रहा है। नहीं प्रेगनेंसी में ना ऐसा ही होता है, मेरे को लगता है मेहर दीदी की ना लड़की होनी है। सरबजीत ने जो इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी दी, इतना बड़ा जश्न रखा है, उस बेचारे को तो खुद भी नहीं पता कि वो खून उसका नहीं किसी दूजे का पाप है। कहीं मेहर से इतना बड़ा झूठ बुलवा के मैंने उसकी जिंदगी और खराब तो नहीं कर दी। ए वाहे गुरु, सब भले करना। ओए खोता। मम्मी ये देखो मेरी और चुलबुल पांडे की फोटो। अब किसी ने मेरे से स्कूल में पंगा लिया ना तो मैंने उसको एक फोटो दिखा दी नहीं। क्यों ही? अपनी बकवास बंद करो, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले। 100% रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ नहीं। मैं तो इतनी अच्छी लड़की है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या करूं? हॉस्पिटल फोन करके पूछती हूँ, शायद कुछ बचा। बट नहीं, वो लोग फोन पे कुछ नहीं बताएंगे। मैं कल खुद हॉस्पिटल जाकर पता करती हूँ। हरलिंदी, बादाम वाला दूध लाई थी। तेरी सो गए। महर्जी, महर्जी ऐसे पेट के बल नहीं लेटना चाहिए, बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा और फिर कहीं उसकी नाक ऐसे बॉक्सर्स वाली होगी तो। सिमरन जी बहुत लकी थी, तुम्हें आप जैसा हस्बैंड मिला। कुड़कुड़ करने वाला जी नहीं, बहुत केयर करने वाला। यू नो, माना आपकी शक्ल चाहे जैसी भी हो पर आप इंसान बड़े अच्छे। शक्ल से जैसा भी हो मतलब? पांडरी क्या हुआ? मेरे बहुत डर लग रहा है। शीशे में देख लिया खुद को? क्या हुआ मेरे? किस चीज से डर लग रहा है आपको? अगर आप कहें तो मैं दूसरे रूम में जाके सो सकता हूँ। नहीं सर जी, वो बात नहीं है। मैं हरलिंदी की खुशी देखी मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर। इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर उनको पता चल गया कि ये बच्चा आपका नहीं और किसी और का है तो महर जी, अब आपको किसी भी चीज के बारे में सोचने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब संभालने के लिए आपका एक केयरटेकर MJIT है ना,
पर सरबजीत जी आप अब आप कुछ नहीं सोचेंगे, चलिए अब सो जाते हैं जी। कम हरलीन, रॉबी, खुशी भाई तैयार हो गए। जिंदी रहे। आप लोग कहीं जा रहे हो? यस, चंडीगढ़। भाई मेरी फ्रेंड है ना, उसके पोते का आज बर्थडे है। ओए हरलीन, मॉमसी मैं नहीं जा पाऊंगी। व्हाट? क्यों भाई? मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। सारी रात भी मैंने और रॉबी ने, और हेडेक हो रहा है तेरे को? बेबी चलो ना, मजा आएगा। रॉबी मैं नहीं जा सकती, देखो ना मैं रेडी भी हो गई हूँ बट मैं नहीं जा पाऊंगी। हलीनी मैं आपके लिए मेडिसिन ले आती हूँ, उसके बाद तेल से मालिश। नो मेहर, इट्स ओके, मैं सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। प्लीज मॉमसी आप लोग चले जाओ। ओके चल भाई रॉबी, कम ऑन प्रीति। बाय मामा। बाय बेटा। मैं आगे वाली मुझे डॉक्टर के पास जाके पता लगाना ही होगा। आई एम रियली सॉरी मैम, लेकिन हम ऐसे किसी भी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते। देखिए मैंने कहा ना आपसे, वो मेरी भाभी। नो मैम, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। बाय द वे मुझे अपना चेकअप भी करवाना है और मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर पूनम तहलान से। श्योर मैम, स्ट्रेट एंड लेफ्ट। थैंक्स। आपके डाउट्स बेसलेस है हरलीन, यू आर नॉट प्रेग्नेंट। थैंक गॉड। एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? नो थैंक यू डॉक्टर। बाय द वे डॉक्टर, आपका नाम मुझे मेहर कौर ढिल्लो ने, मेरे सिस्टर इन लॉ ने रेकमेंड किया था। ओह, तो मतलब आप सरबजीत सिंह गिल की सिस्टर हैं? प्लीज हैव अ सीट, इट्स रियली नाइस मीटिंग विद यू। थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली डॉक्टर आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। एनीथिंग हरलीन जी? एक्चुअली मेहर से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स वाली फाइल ना कहीं मिसप्लेस हो गई है और उसने कहा था मैं उसकी कॉपी आपसे लेती हूँ। या श्योर, व्हाई नॉट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रब करे ये सब झूठ हो, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो रिपोर्ट्स में। कितना लेट हो गया, देखा 10 मिनट बचे हैं बस। रिलैक्स महर जी, अब एक दिन लेट हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है, मेरा परम कभी लेट नहीं हो सकता। आपको पता है आज उसका डांस परफॉर्मेंस भी है। परम, परम। मैं मम्मा। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, अब बहुत लेट हो गया परम। पीछे करो सर। चलो।
पापा पैम की पॉकेट मनी। वन मिनट। व्हाट? सरबजीत जी, परम को पॉकेट मनी की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी आप कैंटीन में खाना थोड़ी ना खाते हो, घर से टिफिन लेके जाते हो। अभी आप बहुत छोटे हो पॉकेट मनी के, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको मिलेगी पॉकेट मनी, तब आपको हिसाब करना भी आएगा। ओके चलो। मैजी चूज। पता है मुझे, गाड़ी में बनाएंगे, प्लीज आप ले आइए। ओके। डॉक्टर आर यू श्योर मेहर की प्रेगनेंसी डेट सही है, उसमें कोई एरर कुछ मिस्टेक तो नहीं है? ये 100% सही है। मेहर का केस एक्चुअली शुरू से मैं ही हैंडल कर रही हूँ। मेहर की प्रेगनेंसी का ये 13th week यानी कि तीसरा महीना है, और मेहर की डिलीवरी डेट अराउंड 8th of June है। आर यू फाइन हरलीन जी? दिस इज रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। हरलीन जी आप ठीक तो है ना? ये लीजिए आप पानी पीजिए, रिलैक्स। इसका मतलब मेहर के पेट में सरब का बच्चा नहीं है। नो! आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सच्ची कह रही है मेहर, मैंने पहले कभी भी सरब और परम को इतना खुश नहीं देखा, और इन दोनों की खुशी की वजह है तू। जिस तरह तूने परम को संभाला है ना मेहर, उस तरह तो शायद सिमरन भी ना संभाल पाती। तेरे लिए ना मेरे दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेहर की प्रेगनेंसी का ये 13th week यानी कि तीसरा महीना है। हिसाब दे। हिसाब? हाँ, क्यों नहीं, मेरा पुत्र एल है। दादी 500 में आता है क्या आजकल कद्दू? एक और नोट दो मेरे को जल्दी से। आल है पुत्र आल है, एक और 500 दा करारा नोट ला डाल बटुए जी। आई लव यू दादी। आई लव यू। वाह जी वाह। वाह मम्मी जी वाह, इस छोटंके को आप हजारों देते हो, और जब हम छोटे थे हमें क्या मिलता था? 5 रुपए। खोतिया तुम चारों थे गरीब विधवा के बच्चे, मेरा यूवी है कुलवंत कौर अटारी सरपंच पंजाब दल पीआर मैनेजर दा पोतरा। भाजी वाह। खोतिया आया अकलमंद सिखान वास्ते। जा मेहर। तरम तरम मेहर जल्दी आओ। मैं सरा मेहमान तो परमबाग का स्कूल ड्रॉप करने गया। बाय बाय पापा, बाय मैम।
बाय बच्चे, बाय बाय। आई मुत्तू मॉनिटर इधर आ। ओए मैंने क्या कहा था ओए? कि जब मैं स्कूल आया करूं तब तू मेरा बैग पकड़ लिया करी। पर क्या हुआ? ले जल्दी से पकड़ अब। ओए मारो ये किसके कसूर में? यूवी महर बुआ। यूवी ये सब क्या है? आपने अपना बैग उस बच्चे को क्यों? ओए बुआ आपके यूवी की फुल टार है स्कूल में। बैड मैनर्स यूवी। बेटा यूवी को उसका बैग वापस करो। इट्स ओके आंटी, युवराज का बैग कभी मिट्टू तो कभी मैं उठा लेता हूँ। जो मेरी बुआ कह रही है वही कर, नहीं तो एक घुसन मार के ना तेरी आंख लाल कर दूंगा। यूवी ओए मेरी बुआ मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ला मेरा बैग देना वापस। बाय बुआ। बाय। अंजी दी कितने हैं तू? दी परम ने स्कूल छोड़ना आई थी, बस ऑफिस जा रहे हैं। तू कार आ जा राइट नाउ। क्या दी सब ठीक तो है? तेनू क्या है ना कार आ जा। दी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। और आ गई तेरी मीटिंग, कम होम राइट नाउ। दी क्या हुआ सरबजीत जी? चले रास्ते में बता। पता नहीं क्या बात हुई, दी काफी टेंस लग रही थी और गुस्से में। आई नो सुबह उनका हेडेक भी हो रहा था। नहीं क्या बात है, फोन भी नहीं उठा रही है। सरबजीत जी फोन पर, आपको पता है ये मुझसे बहुत प्यार करती है। वो जैसे ही मेरी स्माइल देखेंगी ना उनका गुस्सा उड़न छू हो जाएगा। दी कितने तुसी? दी दी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? What's wrong with you? तुसी हमें क्यों कर रहे हो? इससे पूछ जिसने खून किया है, हमारे प्यार का, हमारी इज्जत का, हमारे भरोसे का। पर आखिर गल की है, why are you behaving like this? सरब, या तो तुझे सच में सच नहीं पता, और अगर पता है ना तेरे से बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। इसके पेट में किसी और का बच्चा है सरब। माफ कर दे, फिर तो
बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। इस कैरेक्टरलेस लड़की से ना मुझे तेरी शादी करानी ही नहीं चाहिए थी। मैंने सोचा था तेरे लिए खुशियां लेकर आ रही हूं, मुझे क्या पता था इसकी डोली नहीं तेरे लिए एक नया जख्म लेके आ रही हूं। माफ कर दे जरा मनु। दी, आपको ये सच बताया किसने? सरब, सच बताना नहीं पड़ता, सच अपने आप सामने आ जाता है। जैसे ये सच सामने आ गया, मैं दिखाती हूँ क्या है इसका सच। ये तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं ना, तो फिर 3 महीने प्रेग्नेंट कैसे है? भरोसा जितना कीमती हो ना, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ये सुना था लेकिन आज देख भी लिया। अरे झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा तो सच बोलकर इस रिश्ते को ही तोड़ देती। मैं जी ने कोई झूठ नहीं बोला। तो सच को छुपाना भी तो झूठ ही होता है ना। उन्होंने कुछ नहीं छिपाया दी, शादी की पहली रात ही उन्होंने सब कुछ बता दिया था। मैं आपका घर में नहीं सो सकती, मैं किसी और से प्यार कर सकती हूं। प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट। ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि किसी और का है। तुझे ये सब कुछ पता था सर? हाँ पता था, और ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तो फिर ये सब खुशियां, ये सब कुछ पार्टी, ये सब तमाशा, ये सब क्यों किया? क्यों दिखाया दुनिया को ये सब कुछ? क्या जवाब देंगे अब हम सबको? तूने क्या कर दिया, क्यों किया ऐसा? एक रिक्वेस्ट है दी, प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। तुझे रब बनना है ना सरब, तो तू रब बन। मुझे रब बनने का कोई शौक नहीं है। बट दी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेहर जी के साथ एक हादसा हुआ था। हाँ, जिसकी वजह से था ये पाप है, सिर्फ पाप। अच्छा हुआ मम्मी पापा ये दिन देखने से पहले ही चले गए। आज कोई शर्म से मर जाते। दी तुसी की गल्ला कर रहे हो? सरब मेरी गाली याद रखी, तू जितना मर्जी महान बन जा, अपना खून अपना ही होता है। इस पाप ने ना तुझे कभी बाप का दर्जा नहीं देना। गाल सुनो मेरी। हाथ छोड़ मेरा। I said leave my hand। दी कई बार रिश्ते बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होते हैं। ये बच्चा जितना मेहर जी का है उतना मेरा भी है दी, उसे बाप का नाम दे चुका हूं मैं। और अब बाप होने के सारे फर्ज भी निभाऊंगा। इसके पेट में किसी और का बच्चा है।
सरब, इसने खून किया है हमारे प्यार का, हमारी इज्जत का, हमारे भरोसे का। घिन आ रही है मुझे इस औरत की शक्ल से। सब खराब हो गया। मैंने सब खराब कर दिया, मैंने सब खराब कर दिया। दिखाई जी, आपको तो चोट लगी है, देखिए खून आ रहा है। गॉड, सब खराब कर दिया मेरे आपको मेरे बात हो। सब खराब हो गया आपको मेरे बात हो। चुप एकदम, और कुछ नहीं बोलेंगे आप। आपने कुछ गलत नहीं किया, समझिए आप। अरे क्या आप बार बार आपकी फैमिली बोल रही है? ये फैमिली जितनी मेरी है ना, उतनी ही आपकी भी है। जब तक आप है ना मेरे साथ, ये फैमिली कभी नहीं टूट सकती, कभी नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि करलीन दी अभी गुस्से में है और उनका गुस्सा अपनी जगह सही है, पर उनके सही होने का मतलब ये नहीं ना कि हम गलत हैं। पुत्र जी, इतने हो? की गाल पुत्र जी, की गल है? आज स्कूल से लौटते लौटते ही जिंदाबाद नानी जी, जिंदाबाद नानी जी। क्या है? जब पाम के घर छोटा बेबी आएगा ना, जब पाम अपने स्कूल वाले दोस्तों को सब को पार्टी देगा और उसके पैसे पाम की कुलवान नानी देगी। क्या बात है? कुलवान कौन? हेलो जिंदाबाद जी, जब सबको पार्टी दो तो तरकश अंकल को भी दे देना, है ना? चलो शटा परम, खबरदार आज के बाद उस औरत का नाम इस घर में लिया तो। वो परम की नानी है। कोई नानी वानी नहीं है वो तुम्हारी, और आज के बाद ऐसा बकवास की ना तो लगाऊंगी ये। परम, गुड बॉयज रोते थोड़ी ना, अब क्यों रो रहे हो? हलीम का बहुत गलती है, उन्होंने मैम को डांटा। ऐसे नहीं बोलते परम पुत्र, हलीम बुआ आपसे कितना प्यार करती है, खिली खिली भी करती है, घुमाती भी है। रोते नहीं, ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? रब ना करे ममीशी, अगर कल को सरब जी को ये सब पता चल गया ना तो सब खत्म हो जाना, मेहर की जिंदगी, सरब जी की खुशियां। ओ मम्मी जी, केड़ी गुड़ी सोचो? पुत्र जी, बस एक बार बिना क्लेश पाए ये सपोला पैदा हो जाए, मैं पूरे पिंड नू असली क्यों दे लड्डू वंडांगी। आहो मम्मी जी। हरलीन जी, हरलीन अचानक यहां क्यों आ गई?
हरलीन जी सस्रीकाल जी सस्रीकाल जी सस्रीकाल ओ तन पाक साडे के दर्शन होए तुआडे मम्मी जी वो हरलीन जी सस्रीकाल ओहो अमृता पुत्र हरलीन जी आए हैं खातिरदारी करो उनकी चा शा पकौड़े शकौड़े ले आ जा जल्दी बस आंटी जी आपकी बेटी ने जो खातिरदारी की है ना हमारी वही बहुत है और खातिरदारी करवाने की गुंजाइश नहीं है हमारे अंदर क्यों होया हरलीन जी कोई गलती होगी मेरी मेहर से गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने अपने भाई की शादी आपकी बेटी से करवा दी आपको सब कुछ पता था ना कौन सी बात जी पता था या नहीं As I thought, पता था आप लोगों को सब पता था फिर आंटी जी क्यों क्यों आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया हरलीन जी मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं कौन सी बात जी कौन सी बात यही कि आपकी बेटी के पेट में सरब का नहीं किसी और का बच्चा है तो कोई ये स्यापा नहीं पता लगना चाहिए शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी आपकी मेहर पापी 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 ओ बिट्टू कह रहे थे कि मुझे ग्रीस और क्लच की वायर दे दो मेरे को क्या पता नहीं वो अलमारी में ही है अब एक बार चेक करो ना वो कह रहे थे एक बार चंगा हाँ। देखती हूं हां पाजी परकांड हो गया हरलीन जी आए हैं मेहर का पता लग गया हां इसलिए चलो 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 कमाल है हरलीन जी तुसी एवें कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो मेहर के पेट में उसी का बच्चा है जिससे उसका ब्याह हुआ था वो है आपका भरा सरबजीत सिंह गिल मेहर ते गलत इल्जाम लगा रहे हैं जी और ये मेहर की मेडिकल रिपोर्ट्स कह दीजिए ये भी झूठी हैं देखिए और बताइए मुझे तीन महीने से प्रेग्नेंट है आपकी बहन जबकि शादी को तो सिर्फ दो ही महीने हुए हैं ना कागजों में भी गलती हो सकती है ना जी हो सकती है कि नहीं आंटी जी मेरी गल सुनो हरलीन जी अगर आपको लगता है कि मेहर ब्याह से पहले पेट से थी तो मैंने आपको क्यों कहा कि ब्याह 5 मिनट बात करो 10 मिनट ताते डुबन वाला सी क्या सी ना मैंने गल ऐसी है हरलीन जी कि अगले हफ्ते तारा डुबन वाला इससे पहले तारा डूबे मैं पूनम के चांद को घर ले जाऊंगी आप ही को तो जल्दी थी हाँ थी ना जल्दी इसका मतलब आप लोगों को नहीं पता कि मैं पता नहीं था मतलब कि आज ही ऐसा तो कुछ था ही नहीं ओ तुम लोग इधर खड़े होके क्या सुन रहे हो वो तुम्हारी मेहर पे इल्जाम लगाई जा रही है और तुम बुत जैसे खड़े हो है लानत है तो अड्डे पे लानत है
अरे कुछ करना पड़ेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ओए सोचो जरा, प्रानु बच्चा होने वाला है और बहन को बड़ी तकलीफ हो रही है। की क्या आंटी जी तुसी? वही जो सही है। ओ हरलीन जी, मैं रोटी नू चोची नहीं बोलती, दुनिया देखी है दुनिया। इस सरपंच कुलवंत कौर ढिल्लों ने आपने सोचा होगा वो सीधा सादा निक्का पी फॉर परम जब बड़ा हो जाएगा तो उसे कहीं भी कुछ भी लिखवा लेंगे हैं, ताकि सारी दौलत मेरी और मेरे निकट्ठू पति की हो जाए। What? What? और मुझे तो लगता है ये सर्बिया का कांठ भी ना आप दोनों ने किया है। मेहर मर जाना है, उसके बाद सरब को फांसी लग जानी है। देख ये सारी जमीन दौलत जायदाद सब मेरी हो जानी है। Shut up! की बकवास कर रही हो तुसी ये? वाह जी वाह, वाह जी वाह। आप बोले तो सत्संग और मैं बोलूं तो बकवास। शुक्र मान मैंने टीवी न्यूज वालों को नहीं बुलाया है, वरना तू और वो तेरा निठल्लू रॉबी जेल में बैठ के चक्की पीस रहे होते। इनफ आंटी जी, ये क्या आप? ओए ज्यादा रौला ना पा, भलाई इसी में है कि तू और तेरा वो निकट्ठू पति बोरिया बिस्तरा बंद के कनाडा चले जाओ। और मेरे जुआई और कुड़ी को चैन से रहने दो। मेहर जी आइए खाना खा लीजिए। सरबजीत जी मुझे भूख नहीं है। आपको भूख नहीं है लेकिन हमारे बच्चे को तो होगी ना, और ये खाना मैं हमारे छोटे से बांदरू के लिए आया हूं। हरलीन जी हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना, मैं उन्हें अभी खिला के लाती। लेकिन ये खाना सरबजीत जी वो मैं आके खाती हूँ, प्रॉमिस। अभी प्रेगनेंसी का ये 13th वीक यानी कि तीसरा महीना। मेहर जी ने कोई झूठ नहीं बोला, शादी की पहली रात ही उन्होंने सब कुछ बता दिया था। ये बच्चा जितना मेहर जी का है उतना मेरा भी है दी। उसे बाप का नाम दे चुका हूं मैं, और अब बाप होने के सारे फर्ज भी निभाऊंगा। मेरा गुस्सा प्लीज खाने में मत निकालिए। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, खा लीजिए ना प्लीज।
बहुत सोचा मैंने तेरे बारे में, तेरे झूठ के बारे में, तेरे हालात के बारे में बहुत सोचा है मैंने। ना तो मेरी सोच पुरानी है और ना ही ख्याल। शादी से पहले सबका कोई ना कोई पास्ट होता है, ऑब्वियसली तेरा भी था। एंड इट्स परफेक्टली फाइन फॉर मी, मुझे तेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही तेरे पास को खरीदने का हक है मेरे पास। पर एटलीस्ट तुझे इतना तो समझना चाहिए कि शादी के बाद कोई भी लड़की अपने साथ अपना पास अपने पति के घर पर नहीं लेके आती। शादी करने से पहले ये सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। शादी से पहले प्यार हो जाना गुनाह नहीं है, लेकिन तुम ये जो अब कर रही हो ना, ये गुनाह है, पाप है ये। मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, बस तू इस बच्चे को गिरा दे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल, पहले जैसा। मैं भी सब कुछ भुलाकर तुझे माफ कर दूंगी। पर लाइफ में ना इस बात का जिक्र कभी दोबारा नहीं होगा। बस इस बच्चे को गिरा दे। और फिर हम लोग इस बच्चे को नहीं गिरा सकते। दी, मैं अपना बच्चा नहीं गिरवाऊंगी, हरगिज नहीं। बच्चा नहीं गिरवा सकती ना, तो फिर मेरे भाई साहब को छोड़ दे। हाँ तो मैं अपने बच्चों को गिरवाऊंगी और ना ही सरबजीत जी को छोड़ूंगी। मेहर, तूने मुझसे एक वादा किया था कि मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगी, याद है वो वादा? आई प्रॉमिस यू, मेरा ये गिफ्ट आपके लिए उधारा, को जब भी जो भी चाहिए होगा प्लीज मांग ले। की इज्जत के क्या मायने हैं? ये तो आज पता चल गया। अब तेरे लिए तेरे खुद के किए वादे के क्या मायने हैं? ये देखना है। बोल, पूरा करेगी वो वादा या वो भी यूं ही कर दिया था? मैंने डॉक्टर प्रिया राणा से तेरी बात कर ली है। She's the top gynecologist of Amritsar. तेरे पास सिर्फ 10 दिन है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन इस अबॉर्शन को करवाने में। डॉक्टर प्रिया के पास मैं तुझे खुद लेकर जाऊं। अबॉर्शन करवाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
और याद रहे तेरे पास सिर्फ 10 दिन अबॉर्शन को करवाने में या फिर सरप को छोड़ने।